हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एमएस वर्ल्ड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एमएस वर्ल्ड की पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा था कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग कि एमएस वर्ल्ड में क्या क्या फॉर्मेटिंग होता है, जैसे पैराग्राफ, फॉन्ट, इंसर्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एमएस वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की, जो कि बहुत यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, पहला आपका शॉर्टकट की क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। मतलब पेज के जितने भी कंटेंट लिखे हैं वो एक साथ क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इस पेज में हमारा ये पूरा कंटेंट लिखा है। ठीक है, कर्सर हमारा ये नीचे ब्लिंक कर रहा है, पर जैसे ही हम कंट्रोल प्लस ए करेंगे ये पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल ए, तो पूरा कंटेंट जितना भी लिखा है वो पूरा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो कंट्रोल ए से क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, कंट्रोल सी, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए, कोई भी शॉर्टकट की यूज करने के लिए, पहले हमें कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग या वो शॉर्टकट की से जो काम हो रहा है वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, मान लीजिए हम कह देते हैं हमें ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी से क्या कहा है, कॉपी, तो कंट्रोल सी जैसे ही करेंगे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या कहा है, देखिए चौथे नंबर पे कंट्रोल वी, पेस्ट द सिलेक्टेड कट और कॉपी कंटेंट। तो कंट्रोल सी से क्या है, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट, और कंट्रोल एक्स कट द सिलेक्टेड कंटेंट, और कंट्रोल वी पेस्ट द सिलेक्टेड कंटेंट जो कट है या कॉपी है। देखिए, कॉपी का मतलब होता है उसकी एक कॉपी और बन जाना। ठीक है, और कट का मतलब होता है वो वहां से हट जाएगा, मूव हो जाएगा कहां पे, दूसरी लोकेशन पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। हमने कंट्रोल सी से सेव कर, इसको कॉपी कर लिया है, और अब हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे और एक बार इंटर कर देंगे ताकि नीचे रहे, और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी प्रेस करते ही ये हमारा कंटेंट क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब देखिए, सेव द टाइम, ये जो कंटेंट है ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो कॉपी करने का क्या मतलब हुआ कि उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अब इसको हम जो पेस्ट किए हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग पे क्या कहा है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से क्या है, कट द सिलेक्टेड कंटेंट। ठीक है, अब मान लीजिए हम सेव द टाइम वाले ही पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, और कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, वहां से वो कंटेंट गायब हो गया। गायब क्यों हो गया, क्योंकि कट हो गया है। अब कट के बाद भी पेस्ट करने का क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल वी। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, कंट्रोल वी का मतलब क्या हो गया, पेस्ट हो गया, और कंट्रोल एफ कट। अब इसकी लोकेशन पूरी बदल गई, सेव द टाइम इन द वर्ल्ड की जो लोकेशन थी वो बदल गई। जो कंट्रोल एक्स का मतलब मूव करना और कंट्रोल सी का मतलब कॉपी करना। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस डी क्या है, ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो। जैसे ये फॉन्ट का है तो ये जैसे खुलेगा आपका, ये है विंडो, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ये ओपन हुआ है, हमने यहाँ एरो पे क्लिक किया था। तब अगर आपको उसको डायरेक्ट ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी। देखिए, जैसे कंट्रोल प्लस डी प्रेस किए तो हमारा फॉन्ट का क्या है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, आगे क्या कहा है, कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड द सिलेक्टेड कंटेंट। तो जैसे कि आपको बताया है कि कोई भी काम करने से, फॉर्मेटिंग करने से पहले हमें वो चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम पहले पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको बोल्ड करना है, तो हम क्या शॉर्टकट है बोल्ड करने का, कंट्रोल प्लस बी। तो आप जैसे ही कंट्रोल प्लस बी करेंगे
आपका क्या होगा, कंटेंट जो है, जो भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। या फिर आप यहाँ क्लिक करिए बी पे, ठीक है, और शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी, उसके नीचे क्या है, कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक। तो हम सेकंड पैराग्राफ मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल प्लस आई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कंट्रोल प्लस आई जैसे किए तो ये जो कंटेंट आपका लिखा था सेकंड पैराग्राफ, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, ठीक है, बाकी सबसे अलग हो गया है, जो बाकी सब कंटेंट लिखे हैं उससे ये थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, कंट्रोल प्लस यू, ये क्या करता है, अंडरलाइन सेलेक्टेड कंटेंट। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं थर्ड पैराग्राफ को और कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस यू प्रेस करने पे क्या हो गया, आपने जितना भी सेलेक्ट किया था उतना कंटेंट क्या हो गया है, अंडरलाइन हो गया है। ठीक है, देखिए हमने अंडरलाइन फिर हटा दिया। मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड अंडरलाइन करना है तो करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन, उसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल यू, कंट्रोल यू। देखिए तो जितना सेलेक्टेड था वो पूरा आपका क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, ग्राफिक्स चेंज। ठीक है, अब कंट्रोल एन क्या करता है, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो ही ओपन कर देगा। जैसे एमएस वर्ड का देखिए, हमारा ये दो ठो अलग अलग विंडो ओपन है, ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल एन करेंगे ना तो एक नया विंडो क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड का ओपन हो जाएगा, ब्लैंक शीट। देखिए देखिए कंट्रोल एन करते ही ये एक ब्लैंक शीट हमारी ओपन हो गई है, ठीक है। तो अगर आपको नया वर्कबुक या नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल एन से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या है, कंट्रोल ई, देखिए ये अलाइनमेंट आपकी है, चार तरह की अलाइनमेंट होती है, एक होती है सेंटर अलाइनमेंट, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, और एक क्या होता है आपका जस्टिफाई होता है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में। तो हम देखिए इसको आपको करके दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया और क्या कहा है, कंट्रोल ई। देखिए जैसे ही कंट्रोल ई किए तो क्या किया है, सेलेक्टेड कंटेंट को क्या किया है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन कर दिया। देखिए सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया है कंटेंट, ठीक है। अब हम दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं जो इटैलिक्स हमने जिस पे किया था, अब इस पे हम क्या कर देंगे, कंट्रोल आर करते हैं। कंट्रोल आर क्या कहता है, कंट्रोल आर कहता है अलाइनिंग द लाइन और सेलेक्टेड कंटेंट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। तो ये जो आपका सेलेक्टेड है इसको किधर किया है, राइट ऑफ द स्क्रीन शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। हम थर्ड पैराग्राफ करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे। कंट्रोल एल प्रेस करने पे क्या करेगा, ये आपके सेलेक्टेड कंटेंट को लेफ्ट में कर देगा, ठीक है। और फोर्थ पैराग्राफ सेलेक्ट करके कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल जे क्या करेगा, ये आपके दोनों मार्जिन से इसको बराबर की दूरी पे रखेगा, ठीक है। अब क्या है, कंट्रोल एस से क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप सेव कर लेंगे, ठीक है। कि जैसे हमने कंट्रोल एस कहा तो इसने पूछ लिया कि आपको कहाँ सेव करना है, आप यहाँ से सेव का ऑप्शन बटन दबा देंगे और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल पी क्या है, प्रिंट विंडो ओपन करेगा, जैसे इसको प्रिंट करना है तो हम क्या करें, कंट्रोल पी, देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया, तो इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू क्या है, जो करंटली ओपन डॉक्यूमेंट है वो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग क्या देखेंगे, कंट्रोल एफ वन, जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि इसको ऊपर, इसको पूरा रिबन कहते हैं, तो कंट्रोल एफ वन जैसे ही करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, और फिर देखने के लिए कंट्रोल एफ वन ही प्रेस करना पड़ेगा। देखिए देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल एफ वन किया तो वो पूरा हाइड हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल एफ वन करेंगे तो फिर वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये शो हो गया, हमारा क्या बचा, कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू करते ही आपका करंटली ओपन विंडो जो है वो बंद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि जो आपने चेंजेस किए हैं उसको सेव करना है, आप यहाँ पे सेव या डोंट सेव है, तो आप उसको जो भी कर देंगे वो हो जाएगा। अगर हम इसको सेव कर दें तो सेव कहाँ हो रहा है,
डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। हम इसकी लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम इसको डेस्कटॉप पे कर देंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। अब देखिए डेस्कटॉप पे एक ये हमारा वीडियो प्रोवाइड, ये जो हमने काम किया था ये क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं।